हेलो व्यूवर्स, डेली टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टिंडा खाने के फायदे। जी हाँ फ्रेंड्स, गोल और हरे रंग से दिखने वाली सब्जी टिंडा, जिसे बेबी पंपकिन और एप्पल गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, यह साउथ एशिया में खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का इसका स्वाद यानी कि टेस्ट कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं लगता है, इसीलिए यह सब्जी कम ही उपयोग में आती है। लेकिन इसमें सेहत से जुड़े कई सारे फायदे छिपे होते हैं, जिन्हें जानने के बाद इसे ज्यादातर लोग खाना जरूर पसंद करेंगे। जी हाँ, टिंडा कई पौष्टिक गुणों से भरपूर हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे कि दोस्तों, गैस, अपच की समस्या से लेकर ये मोटापे को भी कम करने में फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं टिंडे की सब्जी या फिर टिंडा खाने के फायदे क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा है मोटापे को करे कम। जी हाँ, टिंडे में 84% पानी की मात्रा होती है, जो कि आपके मोटापे को कम करने के लिए सहायक होती है। जी हाँ, ओवर ईटिंग के कारण बढ़ने वाले मोटापे को रोकने के लिए रोजाना सुबह टिंडा का जूस पीना चाहिए। जी हाँ, टिंडा का जूस पीकर वजन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है, इसलिए आप भी टिंडे का जूस जरूर पिएं और अपने मोटापे को करें कंट्रोल। पाचन सही रखता है टिंडा। जी हाँ, टिंडे में मौजूद फाइबर की मात्रा पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होती है। दोस्तों, इसकी सब्जी गैस, कब्ज, अपच जैसी समस्याओं को दूर रखती हैं। इसके सेवन से पेट की अंदरूनी सफाई भी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा गर्मियों में मसालेदार खाने के कारण हमें एसिडिटी, डायरिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ऐसे में आप टिंडे की सब्जी बनाकर खाएं, इन सभी प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है टिंडा। आंतों की सेहत के लिए टिंडा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद पानी की पर्याप्त मात्रा यूरिन इन्फेक्शन से बचाती हैं। साथ ही हमारे ब्लड को प्यूरीफाई भी करती हैं। इससे शरीर में होने वाली कई सारे रोगों से बचा जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप टिंडा ज़रूर खाएं और यूरिन इन्फेक्शन से दूर रहें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद है टिंडा। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान होते हैं, उन्हें टिंडे का रस का सेवन करना चाहिए, यह उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत से ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसीलिए अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे में आप टिंडे का रस बनाकर पिएं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंटी एजिंग के लिए है फ़ायदेमंद। टिंडे में केरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे चेहरे के दाग, धब्बे और झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स को दूर रखने में मदद करता है। जी हाँ, टिंडा आपको स्किन इन्फेक्शन से भी बचाता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही जो आपके चेहरे पर बारीक लाइंस, जिसे फाइन लाइंस कहते हैं, उसके कारण आप असमय बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, टिंडे के नियमित इस्तेमाल करके आप इसे कम कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आप टिंडे की सब्जी बनाकर खाएं। सूजन के लिए है फायदेमंद। फ्रेंड, जोड़ों की समस्या होने पर अक्सर सुबह सुबह सूजन आ जाती है, यहाँ तक कि चोट आदि लगने पर भी शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं और सूजन आती जाती है। यदि आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हो, तो आपको अधिक से अधिक टिंडे का सेवन करना चाहिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। दिल की बीमारी से बचाव करता है टिंडा। दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल में रखना पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए टिंडे में अधिक मात्रा में फाइबर पाए जाने के कारणवश यह हमारे दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसीलिए आप टिंडे की सब्जी को अपने डेली आहार में शामिल कर सकते हैं, यह आपके दिल को हमेशा हेल्दी रखेगा। कैंसर जैसी बीमारी से राहत दिलाता है टिंडा। टिंडे में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमें कैंसर जैसी भयानक से भयानक बीमारी से राहत दिलाता है। जी हाँ, महिलाओं के लिए भी इसका सेवन करना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दोस्तों, ये महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर और साथ ही पुरुषों में होने वाला प्रोस्टेट कैंसर से भी आपको राहत दिलाने में मदद करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचना चाहते हो, तो ऐसे में आप टिंडे की सब्जी बनाकर जरूर खाएं। बुखार होने पर इसका सेवन है फायदेमंद। जी हाँ, टिंडा खाने से हमारे शरीर को कई रोगों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शरीर में मौजूद रक्त को साफ करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा बुखार होने पर इसका सेवन करना फायदेमंद साबित होता है, यानी कि फ्रेंड, इससे आपका बुखार बहुत जल्दी ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जान लिया है टिंडा खाने के फायदे। आप भी इसका सेवन करें और अपने आप को बनाएं हेल्दी। यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू डेली हेल्थ टिप्स।
फ्रेंड्स, आई विल बी बैक अगेन विद मोर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड कीप वॉचिंग अवर अपकमिंग वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.